मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर में नेमिंग वर्ड्स सीखेंगे, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं। तो ये एक पिक्चर है, तो उसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको मुझे बताना है। तो हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या दिख रहा है। तो एक गर्ल है, बॉय दिख रहा है, ट्री है, कैट है, डॉग है, पीछे एक बटरफ्लाई है, फ्लावर्स है, ठीक है, बॉल है, और ये पार्क है। ये सब हमें पिक्चर में दिख रहा है। तो हमें ये कह सकते हैं कि ये नेम्स है जो हमें दिखाई दे रहा है। एवरीथिंग यू सी हैज़ अ नेम, सो इसको हम बोलते हैं नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स को हम नाउन्स भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो इस पिक्चर में हम कुछ थिंग्स है तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर उसके नाम लिखेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं तो पहला है नेम ऑफ पर्सन्स। तो पिक्चर में दो पर्सन्स है, तो क्या कौन कौन है? बॉय और गर्ल। फिर क्या है? नेम ऑफ एनिमल्स। तो दो एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं जिनका नाम है डॉग एंड कैट। फिर क्या है? नेम ऑफ थिंग्स। तो हमें कुछ थिंग्स दिखाई दे रही है जिनका नाम है बॉल, ट्री, फ्लावर्स, ठीक है, और नेम ऑफ प्लेस, जगह का नाम। तो ये कौन सी जगह है? पार्क। तो ये पिक्चर है पार्क का, ठीक है। सो नेमिंग वर्ड्स, तो हम नेमिंग वर्ड्स को कैसे डिफाइन करेंगे? तो ये है उसका आंसर, द वर्ड्स दैट टेल अस अबाउट द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, थिंग्स और प्लेस आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स और नाउन्स। नाउन्स भी बोल सकते हैं और नेमिंग वर्ड्स भी बोल सकते हैं। तो क्या है उसकी डेफिनेशन? द वर्ड्स, जो शब्द हमें बताते हैं कि पर्सन यानी कि व्यक्ति, एनिमल्स यानी कि पशु, थिंग्स यानी कि चीज वस्तु, और प्लेसेस यानी कि जगह के नाम क्या है, उनको क्या बोलते हैं? नेमिंग वर्ड। When we talk about names of country, state, person or any particular things, they are called proper noun. ठीक है, हम कोई proper चीज़ के बारे में बात करते हैं, कोई proper person यानी कि व्यक्ति, कोई proper person, state, particular कोई thing, इनके बारे में हम बात करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? Proper noun, ठीक है। तो योर नेम और योर फ्रेंड्स नेम इज ऑल्सो कॉल्ड प्रॉपर नाउन, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर नेम है, हमारा नाम एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। अ नाउन विच इज स्पेशली नेम दैट इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज प्रॉपर नाउन। हमारा नाम, ठीक है, हम जहाँ रहते हैं उनका नाम, उस जगह का नाम, ठीक है, हम जिस पर बैठे हैं इस वक्त उसका नाम, ये सब एक पर्टिकुलर प्रॉपर थिंग है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल क्या क्या है? नेम ऑफ पीपल, नेम ऑफ फेस्टिवल, नेम ऑफ मॉन्यूमेंट्स, नेम ऑफ सिटीज, नेम ऑफ कंट्रीज, ठीक है, नेम ऑफ गेम्स, नेम ऑफ स्टेट्स, ठीक है, इनके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो हम एग्जाम्पल देखेंगे। नाउ एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउन, तो फर्स्ट वन इज नेम ऑफ पीपल। नेम ऑफ पीपल मीन्स के जो कोई भी पीपल है, फेमस पीपल, उनका नाम। सो महात्मा गांधी, त्योहार के नाम। तो फेस्टिवल, तो होली,
Here, there are give the proper names for the following. So, name of the cities are Anand and Surat. Name of two famous persons are M.S. Dhoni and Shri Narendra Modi. Third one is name of two animals. So, cat and dog. Name of two birds, peacock and sparrow. Name of two things. So, fan and tube light. Name of two festivals. Christmas and Diwali. So these are the things. Now underline the common nouns and circle the proper nouns in the given. So I am going to read the paragraph. Please listen carefully. I went to Raju's house yesterday. So Raju is a proper noun. So circle Raju. Karan, Sneha, Pankaj and Vinay also went there. So, Karan, Sneha, Pankaj and Vinay. These are the proper nouns. So, circle Karan, Sneha, Pankaj and Vinay. Now, Raju celebrated his birthday party. So, again, Raju is proper noun. So, circle on Raju. We all played different games. We played hide and seek, chess, badminton and carom. So there are the some games which is hide and seek, chess, badminton and carom. So these are the particular game. So circle hide and seek, chess, badminton and carom. Megha aunty, Raju's mother, called Pankaj and Sneha inside. So Megha, circle Megha. Then Raju's mother and circle on Pankaj and Sneha. We went to the hall where Raju sliced the cake. Again, circle on Raju. We really enjoyed a lot in the party.
Now, question number D. Cross the words in the table that are not nouns. Fine. So, there are some words in this column. So, start horse, girl, mix, table, dress, computer, piano, plant. So, we have to circle those words which are not nouns. So, horse is noun, girl is noun, mix is not noun. So, cross on mix. Table is noun, it's a thing, particular thing. Dress, dress is not a noun. So, cross on dress. Computer is a noun, piano is a noun, and plant is noun as well. Now, column number second, dress. Dress is not noun. So, cross on dress. Mango is noun, learn. Learn is not a noun. So, cross on learn. Next, door. Door is a noun. Next is shop. Aunt, Joe, fly. Fly is not a noun. So, cross on a fly. Next, column number 3, stay. Stay is not a noun, so cross on a stay. Jump. Jump is also not a noun, so cross on a jump. Mouse, angry. Angry is not a noun, so cross on a angry. Orange, water, sun, rose. So these are the nouns. Now column number 4, flowers. Temple, cycle, key. Cry. Cry is not a noun, so cross on cry. Get. Get is also not a noun, so cross on get. Cat. Big. Big is not a noun, it's a size, so cross on a big. Now last column, Mohan. Little. Little is not a noun, it's also a size. Pencil. Finger. Beach. Beach is noun, it's a place. Ruler. Jump. Jump is not a noun, so cross on a jump. And next last is table. So यहाँ पे हमारा naming words का exercise complete होता है. आपको book में ये सब लिखना है और ये naming words जो भी है वो भी आपको अपनी notebook में लिखना है और textbook में जो भी exercise है ये हम सबको लिखनी है. टिल देन स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी. थैंक यू.